everyone, welcome to this channel. कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे. सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी आज रात की भावनाएं आपको लेके क्या होने वाली है. गाइस, टाइमलेस रीडिंग है. जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी. एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के हैं. अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है. ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी. जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा. ओके, आपके पर्सन की आज आपकी भावनाएं आपको लेके लेकिन प्रभु का नाम जय सिया राम. बेस्ट कार्ड वी हैव सेवन ऑफ स्प्रिंग. ओके, या तो आपने ब्लॉक किया अपने पर्सन को या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया. ब्लॉकेजेस फॉर श्योर यहाँ पे हैं. फाइव ऑफ समर, मुझे ब्लॉकेज आपके पर्सन की तरफ से लग रहे हैं. ओके, सेवन ऑफ स्प्रिंग, आप या आपके पर्सन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं. यहाँ पे आपके जो पर्सन है इनको देखिए गाइस, ये खुद को डिफेंड कर रहे हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट करने में लगा, ये इंसान बिजी है खुद को प्रोटेक्ट करने में. ठीक है, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता, इट्स ओवर. ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, जैसे इस इंसान ने अपनी गलतियों से आपको खो दिया है और अभी ये इंसान ये सोच रहा है कि ये खुद को कैसे सेव करे. ये मुझे पता नहीं गाइस, आज ये वाली एनर्जी देख के मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ब्लेम गेम खेलने वाले हैं आप लोगों के साथ, ये आपको ब्लेम करेंगे, ये अपनी हर गलती पर आप ही को ब्लेम करेंगे. ये इंसान खुद को डिफेंड करने वाला है. आज आती इंसान ऐसे ही सोचने वाला है कि खुद को कैसे डिफेंड किया जाए, खुद को कैसे बचाया जाए, कैसे विक्टिम रोल प्ले किया जाए. और आप लोगों आप लोग जो हैं आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं और इस इंसान को एहसास है कि अभी आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे. इस इंसान ने अपनी गलतियों से आपको खो दिया, इस कनेक्शन को खो दिया है, एकदम से मैसअप हो गया है ये कनेक्शन. ये आपकी पर्सन की वजह से हुआ है. सो गाइज, आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं बट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने आपको खो दिया, अभी दूर दूर तक कोई चांस नहीं दिख रहा है इस इंसान. नंबर फाइव, नंबर सेवन, मई एंड जुलाई मंथ आप लोग उसे रेजोनेट कर सकता है. सिक्स ऑफ समर, पास्ट की मेमोरीज में खो गए हैं, पास्ट की मेमोरीज इनको हॉन्ट कर रही है. टू ऑफ ऑटम अगेन, यहाँ पे थर्ड पार्टी, आपके पर्सन अभी भी जगलिंग कर रहे हैं गाइज, थर्ड पार्टी और आप दोनों को, जैसे ये इंसान साथ लेके चल रहे हैं, दो नावों में पैर रख रखा है. इनको कोई डर नहीं है, इनकी चाहे पैंट फट जाए भी मतलब एक नाव उधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ऐसा ही होगा ना, दोनों नाव में पैर रखे खड़े हैं तो ऐसा ही होगा. इनकी फटने वाली है अभी पैंट, ठीक है, और इनको कोई मतलब पड़ी नहीं है कि आगे क्या होगा. ये इंसान आगे का नहीं सोच रहा, ये इंसान क्या बताऊं, बहुत सेल्फिश है. जिस भी इंसान से डील कर रहे हो गाइस, स्टबर्न दिख रहा है, सेल्फिश दिख रहा है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. ये इंसान फायदा देख रहा है, थर्ड पार्टी को ये छोड़ नहीं रहा क्योंकि वहां भी इनका कोई फायदा है. आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, या तो सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन हो सकते हैं. नंबर सिक्स, जून एंड फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है. नंबर टू एंड नंबर सिक्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन हो सकते हैं. ये आपके बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत पुराना है, या तो पुराना कनेक्शन है या कुछ ज़्यादा ही पुराना है, बहुत सी सदियों पहलों का ओके. आगे पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, खासकर उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं जहाँ सिर्फ आप दोनों थे, कोई थर्ड पर्सन था ही नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए. पास्ट की मेमोरीज में खो गए हैं लेकिन मजाल है, याद में आपकी याद में तड़प रहे हैं लेकिन मजाल है कि थर्ड पार्टी को छोड़ दे. ना, जगलिंग चल रही है आप और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है. इनका किसी अदर पर्सन के साथ रिलेशन भी हो सकता है, या फिर इनका करियर भी हो सकता है, या इनकी फैमिली भी हो सकती है. ओके, और क्या है आज रात, आज रात आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार बहुत है गाइस, ऐसा बोल ही नहीं सकते. आय हाय, आपकी पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टिव, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन ही, लॉर्ड ऑफ अट्रैक्शन विद लॉर्ड ऑफ लव,
प्योर लव, डिवाइन लव, ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, जेन्युइन इमोशंस आपके पर्सन के मन में आपके प्रति. स्ट्रांगली कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एरीज लियो सजिटेरियस. यहाँ पे अभी तो मुझे ये साइन हाईलाइट हुए हैं. आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस है गाइस, बहुत सीरियस है, लेकिन क्या करें, इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है. इन ये जो भी महान पुरुष हैं, इनको ये नहीं पता, अभी तक इस इंसान को ये नहीं पता कि कहाँ इनको एक्सप्रेसिव होना है, कहाँ इनको अपनी बातें छिपा के रखनी है. ये इंसान जिनके सामने एक्सप्रेसिव होना चाहिए, वहाँ तो ये अपनी बहुत सी बातें हाइड करके चल रहे हैं, कनेक्शन को स्पॉइल कर रहे हैं. और जिन लोगों के सामने इनको थोड़ा सा मिस्टीरियस बनने की ज़रूरत है, वहाँ ये मतलब दिल क्या सब कुछ खोल के रख देते हैं, सामने वाला फ़ायदा उठाता है और निकल लेता है. नहीं, ऐसा ये डिजर्व भी करते हैं. सो आपके पर्सन को ये लेसन नहीं मिल रहा है अभी तक कि इस इंसान के लिए फर्स्ट फ्राइडे में कौन होना चाहिए. मिलेगा, डोंट वरी, टाइम लगता है, सभी का अलग अलग टाइम है. अगर आपके पर्सन समझदार हुए तो एक ही ठोकर में समझ जाएंगे, अगर समझदार नहीं हुए तो अपना सर फुड़ा के मानेंगे, और जब सर फूट जाएगा तब याद आएगी मेरा बाबू, मेरा शमना. और फिर आपको ये बोलना है, वो अभी एक रील चली थी ना, ट्रेंड में चली थी, कौन है तू. आपको बोलना है हु आर यू, ठीक है, कौन हो आप. मैं नहीं जानती, वो कपिल शर्मा वाला डायलॉग नहीं है, अरे हाँ 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 मुझे याद आया, फिर भी नहीं पहचाना, कुछ ऐसा ही था, है ना. तो आपको बोलना है बस ऐसा ही रिएक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान क्या है, अभी आपकी तरफ आने की ज़रूरत है. आपको इस इंसान के मन में फीलिंग्स तो इतनी कूट कूट ही भरी है आपके प्रति, लेकिन ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहा है. यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपके पर्सन का ओपन अप होना टूवर्ड्स यू, इनका एडमिट करना कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं. ये अपने प्यार से भाग रहे हैं, अपने सच्चे इमोशन से भाग रहे हैं. आपके पर्सन फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्ट है राइट नाउ, आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है. इनको पता है कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो. आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या स्किल्स हैं. आप लॉयल रहे हैं हमेशा इस कनेक्शन में, आपका फ्रेंडली नेचर, यू आर टू गुड टू बी ट्रू फॉर देम, ब्रिलियंट, वाह वाह वाह, मैं मासूम बर्थडे, मतलब आज तो आपने चने के पेड़ पे नहीं, आज तो आपने हमें टावर पे बिठा दिया. लेकिन क्या करूँ, कारण ही ऐसा है आप लोगों के लिए. आप गाइज कंपैरिजन हो ही नहीं सकता आपका किसी के साथ, ना ना. लेकिन क्या है, आपके पर्सन क्या है, ये इनकी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज जो मैंने कहा था ना, आपके पर्सन की तरफ से, आपकी तरफ से नहीं है, आप सही जा रहे हो. आप हो सकता है अपने पर्सन से गुस्सा भी हैं, मेरे कुछ व्यूवर्स गुस्सा हैं, और जो मेरे व्यूवर्स गुस्से में हैं उनको अगर ये सॉन्ग भी अगर आपके सामने क्लिक होता है तो आपको तो बस यही होगा, वो सॉन्ग नहीं चल रहा आजकल ट्रेंड में, आ तेन सैर करावा आ. आप तो लिटरली ये सॉन्ग को तो ऐसे सुनते होंगे, आप गाते होंगे या फील करते होंगे, आ तेरे कंते लगावा आ, तेनु मजा चखावा आ, तेने सबक सिखावा. तो आई तो नहीं रहे, तभी तो नहीं आ रहे, वाइब्स फील हो जाती हैं. आपके पर्सन अपनी आपकी वाइब को पिक कर पाते हैं, डिवाइन गाइडेड कनेक्शन जो ठहरा. ओके, बस मैं इतना बता दूं, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, ये थर्ड पार्टी नो मैटर गाइस कौन है, ये जो भी है, लेकिन बस इतना कहूँगी, इनके दिल पर राज आप करते हैं. क्वीन ऑफ विंटर, आप लिटरली बहुत स्ट्रांग हैं इस वक्त, आप बहुत स्ट्रांग बन गए हैं, इस इंसान ने आपको स्ट्रांग बना दिया. फोर ऑफ वॉन्स, या तो आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप इससे मैरिज हुई है आपकी, आपके साथ ये मैरिड है, या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है. यहाँ पे आपके पर्सन, या तो आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप इनसे शादी के लिए बोल रहे हैं, बट आपकी पर्सन अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, प्यार बहुत है. आप बहुत पेशेंस रखे बैठे हैं गाइस, बहुत पेशेंस रखा आपने, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने हैं, इस इंसान ने बनाया है. ठोकरों ने कम, इस इंसान ने आपको ज़्यादा लेसन्स दिए हैं, इसी इंसान के
थ्रू आपको लेसन्स दिए गए हैं, आप स्ट्रॉन्ग बने हैं और इस वक्त आपकी जो पर्सनैलिटी है, क्या बोलूँ, ऐसे ही रहिए, बस इतना ही कहूँगी। आपको इसी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, आपने अभी, हो सकता है पहले ये इंसान जब भी आते थे आप इजीली इनको एक्सेप्ट कर लेते थे, अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए हैं इस इंसान को लेके। अभी आप इतना, मुझे नहीं लगता कि अपना आप इतने इजीली वे में आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, नो। चाहे कुछ क्लैरिटी ही क्यों ना दे, लेकिन आपने तो जैसे ठान लिया है कि या तो क्लैरिटी दो या कमिटमेंट दो, या एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स के प्रति ही आप ओपन अप हों। लेकिन आपने यहाँ पे, मैं ये डिमांड नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आपने जैसे अपने हक के लिए जैसे तलवार उठाई है। झांसी की रानी याद आ गई मुझे। नो मैटर, आप लड़का है लड़की, एनर्जी की बात चल रही है, सो आप सही जा रहे हैं, आप सही हैं। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, ये इंसान आपके लिए स्टैंड कभी नहीं लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, पहले आपका खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। सो आप सही जा रहे हैं। फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, अभी हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेजेस के थ्रू भी कुछ क्लैरिटी ले ही लेते हैं आपकी पर्सन के इमोशंस। ओके, काफ़ी है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव वाइट स्लिप, देखते हैं गाइस। अगेन मैं कह दूँ, प्यार बहुत है, लेकिन ओके फर्स्ट मैसेज देखते हैं। मैंने आज तक ऐसा किसी को लेके महसूस नहीं किया, आपको लेके आपकी पर्सन के मन में जेन्युइन इमोशंस है गाइस। मैं अगेन कह रही हूँ, प्यार बहुत है, लेकिन इस इंसान का बिहेवियर या क्या कहूँ, कन्फ्यूज है, बहुत कन्फ्यूज है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, आपको कमिटमेंट दें या ना दें। थर्ड पार्टी 222 ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके, इस कनेक्शन में आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। 222 यूनियन का भी साइन है ये। आई कांट लिव विदाउट यू, आपकी पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। कहा ना मैंने, प्यार बहुत है, जेन्युइन इमोशंस हैं, बस एक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, खुश बर्दाश्त होगा? अगर मेरे व्यूवर्स खुश रहेंगे आपके बिना, तो क्या बर्दाश्त होगा आप लोगों को? प्लीज़ डोंट यूज़ माई पास्ट अगेंस्ट मी। हो सकता है आप पास्ट को होल्ड करके रखा आपने, आप बार बार पास्ट को रिपीट करते हैं इनके सामने और इनको टीज करते हैं। सो पास्ट को रिपीट करना बंद कीजिए, पास्ट इज पास्ट, प्लीज़ कम बैक। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ, लेकिन इनको कह रही हूँ ना मैं, आप जिस एनर्जी में हैं, इनको लगता नहीं है कि आप आ जाओगे। इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने खो दिया आपको, डीप कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन। और क्या है, और है मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, मैरिज में कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन, आपके रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं और इनके घर वाले में भी आपको एक्सेप्ट ना करें। सॉन्ग आया है, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुम्हें कितना चाहने लगे हम, कबीर सिंह मूवी का सॉन्ग है, अरिजीत जी का सॉन्ग है, सुनिएगा जरूर। ओके, वैसे सॉन्ग तो आ गया, देखने की क्या जरूरत है, फिर भी देखते हैं इस डेक से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए सॉन्ग, आपकी पर्सन की तरफ से राम जी, मेरे व्यूअर्स के लिए सॉन्ग। जय सिया राम। सो सॉन्ग आया है, वाओ। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अभी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। मुझे जहाँ तक लिरिक्स याद हैं सॉन्ग के लिरिक्स हैं, तुझ बिन मेरी सोनी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे, मेरा जीवन जैसे धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। ओके, आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है,
वन मोर कार्ड राम जी, दिमाग से काम लो, ठीक है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, इक्वल गिव एंड टेक। ये कार्ड ये लिटरली ये बता रहा है कि आपको आपके पर्सन अगर आ रहे हैं तो आने दीजिए, ऐसा नहीं है कि आया आ रहे हैं और आपने मुंह पे ही गेट बंद कर दिया, नहीं, आने दीजिए, सुनिए उनकी, ध्यान से चुपचाप बैठ के सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। ईगो दिखाते हैं तो आप भी दिखाओ, क्लियर मैसेज, अपनी पावर में रहो, अपनी पावर इस इंसान को नहीं देनी है, ठीक है, अपनी पावर में रहिए, जिस वे से ये इंसान आपसे बात करते हैं उसी वे में जवाब दीजिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, प्यार से बात कर रहे हैं तो प्यार से बात कीजिए, एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो फिर दिखा दो आप क्या हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए, दिल के हाथों मजबूर इतना मत होइए कि ये इंसान बार बार आपको हर्ट करे, इस इंसान को आदत पड़ जाए कि आपको हर्ट करने की लत लग जाए इस इंसान को, कि चलो इसको तो आदत है हर्ट होने की तो मैं कर देता हूँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा दिमाग से काम लें, ध्यान से इनकी बातें सुने, किस इरादे से आपकी पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, बात कर रहे हैं प्यार से की बात कीजिए, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि आपके दिमाग की बत्ती जली रहनी चाहिए, ऐसा ना हो ये इंसान आपकी तरफ आए, प्यार की दो मीठी मीठी बातें करे और ये इंसान जिस काम से आ रहे हैं वो काम बना और ये निकल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंसान जिस भी चीज़ के लिए आ रहे हो वो दो ही मत, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फिर हीलिंग ही क्यों ना हो आपसे, चाहे वो कोई भी हीलिंग हो, चाहे वो फिज़िकली हीलिंग हो, आप फिज़िकली आप इनको हील करते हैं फिज़िकली, या फिर मेंटली या इमोशनली, मतलब वो दो ही मत जो इंसान ही लेने आ रहा है आपसे, समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, काम आएगी। सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है, रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।